જિલ્લાના ડેસર તાલુકામાં નવા શિહોરમુખ ખાતે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબના હસ્તે નવા શિહોરા ગામનું નવનિર્મિત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ કરાવ્યું, તેમજ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું સમાપન સમારોહમાં વડોદરાના લોકસભાના સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ, સાવલી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ નામદાર, સાવલી ડેસર એપીએમસીના ચેરમેન રાજુભાઈ સરપંચ સાહેબ શ્રી, તલપતભાઈ આગેવાનશ્રીઓ તથા આજુબાજુના ડેસર તાલુકાના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ડોક્ટર રાહુલ સિંઘ તથા ડોક્ટર રાજીવ કુમાર સિંહાએ સાંભળ્યું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન ડેસર તાલુકાના આરોગ્ય સ્ટાફ ખડે પગે હાજર રહ્યા હતા અને શિહોરા ગ્રામજનો આ કાર્યક્રમ રસભેર જોડાયા. અને ઉલ્લેખનીય છે કે આજે ગુજરાતના છેવાડાના ગ્રામજનો સુધી આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવાની સરકારની નેમ છે, જે ફળીભૂત થઈ રહી છે. સાથીમાં કાશ્મીર સે કન્યાકુમારી કે પ્રત્યેક ગાંવ તક વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા જો ચલ રહી હૈ, ઉસી મેં ભાગ લેને કા અવસર પ્રાપ્ત હુઆ. યે હમારે લિયે બહોત હી અચ્છી બાત હૈ कि एक छोटे से वडोदरा जिला के गांव में, नए सिहोरा में, आज जब मुझे आने का अवसर मिला, मैंने कई नागरिकों से बातचीत की तो नया सिहोरा एक ऐसा गांव है जहां पे प्रत्येक नागरिकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ मिला है. इसी प्रकार से दूसरी सभी योजना का लाभ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी रथ द्वारा उन लोग को मिल रहा है. ये बहुत ही बड़ी बात है. आज गाँव के जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, इसी प्रकार से जो गरीब परिवार है, उन्हें इस प्रकार का लाभ मिलना, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना. आज मैंने जब कई लाभार्थियों से बात की तो एक लाभार्थी जिनको 35 साल से, आप सोचिए आज़ादी तो मिल गई लेकिन आज़ादी के बाद भी ये परिवार कई सालों से अपने सपने जो देखे थे वही झोपड़े में, वही कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ जी रहे थे. मोदी जी आए, नई खुशियाँ लाए, इनको पक्का मकान मिला. ऐसे ही एक लाभार्थी से जब बात हुई तो उन पता चला, मैंने उनसे पूछा कि आयुष्मान भारत में क्या लाभ लिया. तो उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत में उनको जब बीच में हार्ट अटैक आया तो वो लाभ मिला और एट द मोमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ. मैंने उन्हें पूछा कि मोदी जी की ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ अगर आपको नहीं मिलता तो क्या होता. तो उन्होंने बताया कि भगवान को मैं प्यारा हो जाता. इससे समझने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है. कई सालों तक कई लोगों ने अपना जीवन खोया है, कई परिवारों ने अपने नज़दीकी लोग खोए हैं. प्रधानमंत्री जी ने ऐसे परिवारों को बचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाई और उनसे इन सबको लाभ मिल रहा है. सर, जिस बच्चे जो देश का भविष्य है उनके लिए जो कुपोषित के लिए जो सुविधा, ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही नोबल प्रोजेक्ट है और ये मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ने लाया है. वडोदरा डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो कुपोषित बालक हैं उन्हें सुपोषित करने के लिए एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को, मतलब आयुष मंत्रालय के संकलन में रह के एक पूरी किट बनाई है और उनका ट्रैकिंग सिस्टम एक नया डेवलप किया है. एलोपैथी प्लस आयुर्वेद को साथ में जोड़ के 6500 से ज़्यादा बच्चों पर ये पूरे साल में ये ट्रीटमेंट और यही पॉलिसी से हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे. जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पताल में जो परिवारों को बच्चों की प्राइवेट फाइल्स बनती है, इसी प्रकार से 6500 बच्चे की फाइल्स बनाई गई है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप की गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयुर्वेद और एलोपैथी साथ में मिला के इन बच्चों को कुपोषित से सुपोषित करने में हम लोग को सफलता प्राप्त होगी.